हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गोयला क्लासेस। आज हम फेमस पर्सनालिटीज ऑफ उत्तराखंड को कवर करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे अपकमिंग एग्जामिनेशन जो 3 नवंबर को है उत्तराखंड असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट का। हमने टेस्ट सीरीज लॉन्च की हुई है ऑलरेडी गोयला क्लासेस, वेबसाइट पे आप जाके देख सकते हैं। ये 999 की टेस्ट सीरीज है। इसमें आपको टोटल 15 टेस्ट मिलेंगे, 10 सेक्शनल टेस्ट होंगे और 5 फुल लेंथ टेस्ट, और इसका डिटेल टेस्ट एंड एनालिसिस आपको मिलेगा। आपकी परसेंटाइल, आपका ऑल इंडिया रैंक, स्कोर कितना आया, कितने अटेम्प्ट किए, रॉन्ग एंड राइट, टाइम, एक्यूरेसी एंड स्पीड, डिटेल एनालिसिस होगा। एंड देन यू कैन ऑल्सो गेट आर टेस्ट सीरीज प्लस स्टडी मटेरियल भी आप खरीद सकते हैं 1399 में। इसमें आपको स्टडी मटेरियल में करंट अफेयर की बुकलेट मिलेंगी, टोटल 15 बुकलेट्स मिलेंगी, जिसमें एक जनरल स्टडीज़ की बुकलेट भी होंगी जैसे आप देख सकते हैं मॉडर्न हिस्ट्री की, एंड हमारी करंट अफेयर्स की बुकलेट। फिर आप हमारी टेस्ट सीरीज स्टडी मटेरियल प्लस वीडियो लेक्चर्स को भी ऑप्ट कर सकते हैं। ये 2999 का कोर्स है। इसमें आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे पूरे उत्तराखंड से रिलेटेड, जैसे कि ऐसे हमने अपने पोर्टल पे अपलोड किए हुए हैं, बेसिक्स ऑफ उत्तराखंड, एंशियंट मेडिवल, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड, देन ऑल्सो द फॉरेस्ट्स, द इन्वायरमेंट ऑफ उत्तराखंड, क्योंकि ये असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट का एग्जामिनेशन है। देन वी हैव ऑल्सो कवर्ड ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तराखंड कॉम्प्रिहेंसिवली। ऐसे आप हमारी वेबसाइट पे जाके हमारे कोर्सेज को बाय कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज लेक्चर। आज हम पढ़ेंगे हमारे फर्स्ट फ्रीडम फाइटर जो है कालू मेहरा जी। ये हमारे फर्स्ट फ्रीडम फाइटर थे उत्तराखंड के। इनका जन्म हुआ चंपावत डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। ये है हमारे कालू मेहरा, ठीक है। ये कौन है? हमारे फर्स्ट फ्रीडम फाइटर उत्तराखंड के। इन्होंने रेवोल्यूशन ऑफ 1857 में पार्टिसिपेट किया, ठीक है। कैसे? इन्होंने एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन बना दी थी जिसका नाम था क्रांतिवीर। एग्जाम में बहुत बार उत्तराखंड के एग्जाम्स में ये क्वेश्चन मिलता है कि सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम क्रांतिवीर था वो कौन सी रीजन में थी? वो थी कुमाऊं रीजन में, एंड वो किसने फॉर्म की थी? कालू मेहरा जी ने, ठीक है। और जब इन्होंने कुमाऊं में ये ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म की, तब कौन कमिश्नर कौन थे तब कुमाऊं के? हेनरी रामजे, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे फ्रीडम फाइटर आते हैं बद्रीदत्त पांडे जी। इनका प्लेस ऑफ एजुकेशन और रेजिडेंस था अल्मोरा, बट इनका बर्थ हुआ था हरिद्वार में, ठीक है। इन्होंने 1913 में अल्मोरा न्यूज़पेपर के एडिटर बने और पब्लिश करते थे इस न्यूज़पेपर को अल्मोरा से ही। बट ये जो न्यूज़पेपर था ये काफ़ी सरकास्टिक आर्टिकल्स लिखता था हमारी ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ, ठीक है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, इस न्यूज़पेपर को बैन कर दिया। फिर बद्रीदत्त पांडे जी ने एक नई वीकली स्टार्ट की जिसका नाम था शक्ति। कहाँ से स्टार्ट की? ये भी अल्मोरा से, ठीक है। बद्रीदत्त पांडे जी को कौन सा टाइटल दिया गया? ही इज अवॉर्डेड विद द टाइटल ऑफ कुर्माचल केसरी, ठीक है, फॉर हिज सक्सेसफुल लीडरशिप इन द मूवमेंट अगेंस्ट द प्रैक्टिसेस ऑफ, जैसे कुली उत्तर, कुली बेगार और कुली बादशिश के खिलाफ इन्होंने काफ़ी मूवमेंट की, इसलिए इनको क्या टाइटल दिया गया, या कुर्माचल केसरी किसे कहते हैं? बद्रीदत्त पांडे जी को। 5 बार ये जेल गए फ्रीडम स्ट्रगल के ड्यूरिंग, और जब ये जेल में थे तो इन्होंने हिस्ट्री ऑफ कुमाऊं लिखी, ठीक है। इनको 2 गोल्ड मेडल्स मिले थे अपनी लाइफ में, जिन गोल्ड मेडल्स को इन्होंने कंट्री के सिक्योरिटी फंड में डोनेट कर दिया 1962 इंडो चाइना वॉर के ड्यूरिंग। ये है हमारे बद्रीदत्त पांडे जी। फिर हमारे थर्ड फेमस फ्रीडम फाइटर आते हैं उत्तराखंड के हरगोविंद पंत, ठीक है। इनका जन्म हुआ 1885 में चिताई विलेज अल्मोरा में। 3 बार इनको जेल गए ये इंडिपेंडेंस मूवमेंट के ड्यूरिंग 1930, 1932 एंड 1940 में। इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है ही वॉज द बैकबोन ऑफ अल्मोरा कांग्रेस। कौन? हरगोविंद पंत जी, ठीक है। क्विट इंडिया मूवमेंट के अंडर पहली बार इन्हें हाउस अरेस्ट किया गया अल्मोरा में। पहली बार जिन्हें हाउस अरेस्ट किया गया था QIM के ड्यूरिंग वो कौन थे? हरगोविंद पंत जी, ठीक है। 1937 में यूपी असेंबली से ये इलेक्ट हुए, ठीक है, प्रोविंशियल असेंबली में, और लोकसभा में ये इलेक्ट हुए 1957 में। ये किन की फोटो है? हमारे हरगोविंद पंत जी की। फिर नेक्स्ट हमारे फ्रीडम फाइटर आते हैं बैरिस्टर मुकुंद लाल, ठीक है। स्टूडेंट्स, इनका जन्म हुआ था पटाली विलेज जो है चमोली में। कहाँ पे हुआ था बैरिस्टर मुकुंद लाल का जन्म? चमोली में, ठीक है। फिर 1913 और 1919 के बीच में ये बाल गंगाधर तिलक जी को मिले जब ये लॉ पढ़ रहे थे इंग्लैंड में, ठीक है। इनसे जो इनका फ्रीडम स्ट्रगल के लिए इनका जो पॉलिटिकल एक्टिविज्म था
पार्टिसिपेट करने का उसको काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गया था जब ये बाल गंगाधर तिलक जी को मिले, और जब ये वापस आए पढ़ के इंग्लैंड से, इनको अरेस्ट करके कहाँ डाल दिया गया, अलाहाबाद जेल में इनको इम्प्रिजन कर दिया गया। बट गढ़वाल सीट से इन्होंने 1926 में स्वराज दल हमारी पार्टी बनी थी उसकी टिकट पे इन्होंने इलेक्शन लड़े, बट ये जीत नहीं पाए। ठीक है, फिर 1962 से 67 के बीच में इन्होंने लास्टाउ लेजिस्लेटिव असेंबली को रिप्रेजेंट किया इस रीजन को, लास्टाउ रीजन को। ठीक है, फिर ये पॉलिटिक्स में काफ़ी इन्वॉल्व हो गए और देन इन्होंने रिटायरमेंट ले ली बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी ने। ठीक है, ये था इनका फर्स्ट फेज। सेकेंड क्या है कि इन्होंने ना गढ़वाली लिटरेचर के लिए बहुत ज़्यादा काम किया है। हमारे गढ़वाली लिटरेचर के बहुत ही फेमस पेंटर थे मौला राम जी। ठीक है, इनके पेंटिंग स्टाइल को इन्होंने दोबारा रिवाइव किया और दुनिया को इनकी पेंटिंग्स दोबारा से दिखाई, और गढ़वाली लिटरेचर और आर्ट में ये इतने एंथुजियास्टिक थे, इन्होंने एक बुक लिखी गढ़वाल पेंटिंग 1969 में। ठीक है, इनकी बुक का नाम क्या है, मुकुंदीलाल बैरिस्टर की बुक का नाम है गढ़वाल पेंटिंग। ओके, और 1982 में इनकी डेथ होगी हमारे मुकुंदीलाल बैरिस्टर जी की। फिर नेक्स्ट हमारे फ्रीडम फाइटर आते हैं खुशीराम आर्य। ठीक है, जैसे कि आप फोटो में देख सकते हैं, खुशीराम आर्य जी का स्टैचू है। ठीक है, इसको अनवील किया गया 132nd, इनकी अभी जयंती हुई थी रिसेंटली, कब हुई थी 2018 में, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं खुशीराम आर्य जी। ठीक है, इनको क्या कहते हैं, इनको क्या टाइटल दिया गया खुशीराम आर्य जी को, कुमाऊं केसरी का। ठीक है, कुमाऊं केसरी कौन है, खुशीराम आर्य जी, जैसे के हो गया ना, कुमाऊं केसरी खुशीराम आर्य। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ, दौलिया हल्दूचौथ विलेज नैनीताल में। ठीक है, ये आर्य समाज आइडियोलॉजी से काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड थे। इन्होंने कुमाऊं रीजन में पूरी अवेयरनेस फैलाई, कौन सी प्रैक्टिसेस, जैसे कि चाइल्ड मैरिज, अल्कोहल, ठीक है, अनटचेबिलिटी, इन सब के खिलाफ अवेयरनेस फैलाई इन्होंने दलित्स के लिए, अपलिफ्टमेंट के लिए कुमाऊं रीजन में। ठीक है, और प्लस इन्होंने क्राफ्ट्समैन रिफॉर्मेटरी असेंबली होती है, ठीक है, क्राफ्ट्समैन रिफॉर्मेटरी असेंबली को इन्होंने फाउंड किया। ठीक है, इन्होंने बहुत सारे क्राफ्ट स्कूल्स भी बनाए। फिर 1946 में ये लेजिस्लेटिव असेंबली में सिलेक्ट हुए, कौन सी टिकट पे, कांग्रेस की टिकट पे। ठीक है, और 1967 तक इन्होंने लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर रहे, और 1971 में इनकी डेथ हो गई। ठीक है, खुशीराम आर्य जी की। नेक्स्ट हम अपने फेमस फ्रीडम फाइटर देख रहे हैं बलदेव सिंह आर्य। ठीक है, इनका विलेज उम्ठ विलेज पौड़ी गढ़वाल में इनका जन्म हुआ, किनका, बलदेव सिंह आर्य जी का। ठीक है, ये एक फ्रीडम फाइटर थे, एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, पॉलिटिशियन और गांधीयन थिंकर। ठीक है, ये क्या थे, इनकी क्या सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है, ही वॉज द फर्स्ट MLA ऑफ उत्तराखंड टू होल्ड द लॉन्गेस्ट टेन्योर एज MLA एंड मिनिस्टर। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो बलदेव सिंह आर्य थे, ठीक है, ये क्या थे, ये फर्स्ट MLA भी थे उत्तराखंड के, फर्स्ट MLA टू होल्ड द लॉन्गेस्ट टेन्योर एज MLA एंड मिनिस्टर। ठीक है, ही वॉज फर्स्ट नॉमिनेटेड एज द मेंबर ऑफ प्रोविजनल पार्लियामेंट, 1950 में पहली बार ये प्रोविजनल पार्लियामेंट के मेंबर बने, फिर ये लेजिस्लेटिव काउंसिल के भी मेंबर रहे। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फ्रीडम फाइटर है, जो आपको पता ही पता होने चाहिए डिटेल में, पंडित गोविंद बल्लभ पंत। ठीक है, पंत जी का जन्म कब हुआ, 10 सितंबर 1887 को हमारे विलेज खुट अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में इनका जन्म हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इनको कौन सा टाइटल दिया, हिमालय पुत्र। ठीक है, हिमालय पुत्र का टाइटल किसको मिला हुआ है, पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी को, और किन्होंने दिया इनको ये टाइटल, जवाहरलाल नेहरू जी ने। ठीक है, क्लासमेट्स इन्हें इनके टैलेंट से इतने इंप्रेस्ड थे कि इन्हें क्या कहते थे, महाराष्ट्र। ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत जी को उनके क्लासमेट्स ने क्या टाइटल दिया था, महाराष्ट्र। ठीक है, क्या, और साथ में फर्स्ट चीफ मिनिस्टर भी बने गोविंद बल्लभ पंत, इन्हें हिमालय पुत्र का टाइटल दिया जवाहरलाल नेहरू ने, महाराष्ट्र का टाइटल दिया इनके क्लासमेट्स ने, और फिर ये क्या बने, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर बने उत्तर प्रदेश के 1946 में। ठीक है, और 1954 तक उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर रहे। और बाकी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं इनके लाइफ के, कि इन्होंने लॉ डिग्री की इलाहाबाद से, फिर इन्होंने काशीपुर में प्रैक्टिस शुरू कर दी, फिर कुमाऊं काउंसिल की जो फॉर्मेशन थी इनका क्या था, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था कुमाऊं काउंसिल की फॉर्मेशन में,
फिर ये इलेक्ट हो गए लेजिस्लेटिव काउंसिल यूपी की साइड, ठीक है, फ्रॉम नैनीताल डिस्ट्रिक्ट से इलेक्ट हो गए लेजिस्लेटिव काउंसिल में स्वराज पार्टी के टिकट पे 1923 में. 1927 में ही वॉज इलेक्टेड एज द प्रेजिडेंट ऑफ कांग्रेस कमेटी ऑफ द यूनाइटेड प्रोविंसेस, ठीक है, कांग्रेस कमेटी के भी प्रेसिडेंट बने और नैनीताल डिस्ट्रिक्ट से स्वराज दल पार्टी टिकट से लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी मेंबर बने. फिर 1928 में इन्होंने साइमन कमीशन में पार्टिसिपेट किया और इन्होंने खुद बहुत ज़्यादा इंजरीज होगी, इनको बहुत ज़्यादा चोटें लगी क्योंकि इन्होंने नेहरू जी की लाइफ सेव की, ठीक है. फिर 1934 में ये प्रेसिडेंट बने ऑल इंडिया पार्लियामेंट्री बोर्ड एंड अ मेंबर ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली. फिर 1937 में पहली बार कांग्रेस कैबिनेट बना था इनकी लीडरशिप के अंडर, ठीक है. कांग्रेस कैबिनेट कहाँ बना था, यूपी में, फर्स्ट टाइम 1937 में अंडर द लीडरशिप ऑफ गोविंद बल्लभ पंत. फिर मुंबई में कांग्रेस वर्किंग कमेटी के जो मेंबर्स ने क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च की 9 अगस्त 1942 में, इनको भी जेल में डाल दिया गया, ठीक है, कहाँ पर, अहमदनगर फोर्ट से, ठीक है, और 1945 तक ये जेल में रहे. फिर ये होम मिनिस्टर भी बने, ठीक है, यूनियन कैबिनेट में 1955 में ये हमारे यूनियन होम मिनिस्टर रहे. कौन, गोविंद बल्लभ पंत जी, और इनको भारत रत्न के टाइटल से नवाजा गया भारत सरकार के द्वारा और पैरालिसिस से इनकी डेथ होगी 1961 में. नेक्स्ट हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट फ्रीडम फाइटर है हर्षदेव ओली, ठीक है, आप देख सकते हैं हर्षदेव ओली जी को, इनको क्या कहते हैं, लाइन ऑफ काली कुमाऊं, इनका टाइटल क्या है अगर आपको आ जाए, लाइन ऑफ काली कुमाऊं किनको कहा जाता है, ये कहा जाता है हर्षदेव ओली जी को, ठीक है. इनका गोसानी या जिसको खेती खान भी कहते हैं चंपावत डिस्ट्रिक्ट, इस विलेज में इनका जन्म हुआ. ही वर्कड, इन्होंने काफ़ी न्यूज़पेपर्स के साथ काम किया जैसे कि कुली उस्तर, कुली बेगार एंड कुली बर्थशेष के खिलाफ इन्होंने काफ़ी काम किया. फिर लाहौर कांग्रेस का जो 1929 का सेशन था, जो बहुत फेमस सेशन है, क्यों है ये इतना फेमस, क्यों है 1929 का कांग्रेस सेशन इतना फेमस, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है. इन्होंने कुमाऊं रीजन को इस सेशन में रिप्रेजेंट किया. इन 1930 ही स्टार्टेड अ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अगेंस्ट द जंगल लॉ, ठीक है. फिर नैनीताल में इनकी डेथ हो गई. जंगल लॉ के खिलाफ भी किसने मूवमेंट शुरू की, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, हमारे हर्षदेव ओली जी ने. और इन्होंने लाहौर कांग्रेस सेशन 1929 में जब पूर्ण स्वराज की मांग की थी सबसे पहले कांग्रेस ने, ठीक है, और हमारा ट्राइकलर भी होस्ट किया था, ठीक है. इस सेशन में कुमाऊं रीजन को किसने रिप्रेजेंट किया था, हर्षदेव ओली जी ने. फिर नेक्स्ट हमारे पास अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फ्रीडम फाइटर है अनुसुईया प्रसाद भागुना, ठीक है, इन्हें गढ़ केसरी कहते हैं. ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि बहुत बार रिपीट हुआ है उत्तराखंड के सारे एग्जामिनेशंस में कि गढ़ केसरी कौन से फ्रीडम फाइटर को कहा जाता है, किन्हें कहा जाता है, अनुसुईया प्रसाद भागुना, ठीक है. अनुसुईया प्रसाद भागुना को, ये एक बहुत ही सक्सेसफुल लॉयर थे और प्लस इन्होंने फोर्स्ड लेबर के खिलाफ काफ़ी पार्टिसिपेट किया और आवाज़ उठाई. इन्हें प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया गढ़वाल युवा सम्मेलन का जो श्रीनगर में बनी थी, ठीक है. गढ़वाल युवा सम्मेलन के प्रेसिडेंट भी कौन रहे, अनुसुईया प्रसाद भगुना. ही वॉज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, ठीक है, और 1943 में इनकी डेथ हो गई. फिर हमारे पास नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट फ्रीडम फाइटर है प्रियगता पंत, ठीक है. प्रियगता पंत जी का जन्म हुआ पिथौरागढ़ में, ठीक है. फिर ये अपनी जब इन्होंने एजुकेशन कंप्लीट कर ली, इन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया अगेंस्ट द इंग्लिश लॉ. इन द मीनवाइल द गवर्नमेंट हैड इशूड सेक्शन 144 एंड द ऑर्डर ऑफ जुबान बंदी इन कुमाऊं. फॉर द वायलेशन ऑफ द ऑर्डर ही वॉज इम्प्रिजन एंड सेंटेंस टू वन ईयर रिग्रस इम्प्रिजनमेंट एंड कैप्ट इन बरेली सेंट्रल जेल. तो बहुत ही यंग एज में इसलिए प्रियगता पंत की डेथ हो गई. फिर हमारे पास है बिहारी लाल चौधरी. बिहारी लाल चौधरी जी फर्स्ट हरिजन मेंबर थे, ठीक है, ऑफ द कॉमन सीट ऑफ इलेक्शन इन द एंटायर कंट्री, ठीक है. तो हरिजन मेंबर कौन थे जो पहली बार इलेक्ट हुए थे, हमारे बिहारी लाल चौधरी. 1929 में इन्होंने हिस्टोरिक कांग्रेस सेशन ऑफ लाहौर को अटेंड किया. ही वॉज अरेस्टेड विद फाइव अदर प्रोमिनेंट लीडर्स इन द सॉल्ट सत्याग्रह में इनकी अरेस्ट भी हुई, ठीक है. फिर इनको प्रोविंशियल असेंबली के लिए कॉमन कैटेगरी से इलेक्ट किया गया 1936 में और ये कांग्रेस कैबिनेट ऑफ द यूपी में 1937 में इन्होंने इस्टेब्लिश करवाया उसे और फिर पूना में इनकी डेथ होगी एट द एज ऑफ 42.
तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू स्टूडेंट्स. आज का हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है. फेमस एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज ऑफ द उत्तराखंड फ्रीडम फाइटर्स. तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन.